अपने सुहाग की लंबी उम्र, प्रेम और विश्वास के पवित्र बंधन को और मजबूत करने के लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ 13 अक्टूबर 2022 को मनाया जा रहा है। ये निर्जला व्रत भले ही सबसे कठिन व्रत में से एक है, लेकिन इस दिन पूरे उत्साह के साथ शादीशुदा महिलाएं श्रृंगार करती हैं और चांद को देखने के बाद ही अपने सुहाग के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। हालांकि इस व्रत में रीति रिवाज और परंपराओं का खास ख्याल रखा जाता है, ऐसे में पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए आज हम इस वीडियो में करवा चौथ का महत्व, पूजा विधि और पहली बार कैसे इस व्रत को रखना है इसके बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शादीशुदा महिलाओं को करवा चौथ से जुड़े नियम और रीति रिवाजों के बारे में पता होता है, लेकिन जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है और पहली बार करवा चौथ का उपवास कर रही हैं, वो इस व्रत को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित रहती हैं। लेकिन व्रत के बारे में कई बातें ऐसी होती हैं जो उन्हें नहीं पता होती, जाने अनजाने या उत्साह में वो गलतियां भी कर देती हैं। इसीलिए इस वीडियो में आपको हम तमाम वो बातें बताने वाले हैं जिससे आपका पहला करवा चौथ का व्रत सफल रहे। ज्योतिषों की माने तो इस बार करवा चौथ पर ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है। करवा चौथ पर 13 साल बाद एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है। करवा चौथ का व्रत अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से रखा जाता है। पंजाब में महिलाएं सुबह सरगी कहने के साथ इस व्रत की शुरुआत करती हैं। कुछ महिलाएं करवा चौथ के दिन रात में चांद देखे बिना कुछ भी खाती या पीती नहीं। करवा चौथ के दिन सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है। सरगी में बहू के लिए कपड़े, सुहाग का सामान जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और खाने की चीजें जैसे कि फेनिया, शक्करपारे, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, नारियल, ये सब रखा जाता है। सास की दी हुई सरगी खाकर बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर ससुराल से दूर रहती है तो सास अपनी बहू के लिए सरगी के पैसे भिजवा सकती है। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह नहाकर सास के दिए हुए कपड़े और श्रृंगार की चीजें पहनती हैं। जिन महिलाओं का पहला करवा चौथ है उन्हें शादी का जोड़ा पहनकर ही करवा चौथ का पूजन करना चाहिए। अगर वो पहनना संभव ना हो तो लाल साड़ी या लहंगा पहन सकते हैं। कहते हैं कि पहले करवा चौथ पर दुल्हन की तरह ही तैयार होना चाहिए। वैसे लाल रंग का जोड़ा पहनना इस दिन काफी शुभ और शगुन माना जाता है। इसके बाद सूरज डूबने से पहले करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आप इस दिन करवा चौथ की पूजा करें। करवा चौथ के दिन औरतें कथा सुनने के लिए मंदिर जाती हैं। गली मोहल्लों की औरतें भी आपस में ही कथा सुनती हैं। करवा चौथ की कथा सूरज ढलने से पहले सुनी जाती है। शाम के वक्त करवा चौथ व्रत की कथा नहीं सुनी जाती, इसलिए समय से सब तैयारियां कर लें। सूरज ढलने से पहले ही कथा को सुन लें। करवा चौथ की कथा सुनते वक्त साबुत अनाज मीठा साथ में रखकर कहानी सुनी जाती है। इसके बाद सात सुहागन आपस में गाना गाते हुए थालियां फेरती हैं। थाली तब तक फेरी जाती है जब तक हर किसी की थाली उसके पास नहीं पहुंच जाती। हालांकि अगर आप कथा सुनने नहीं जा सकती तो आप अकेले भी कहानी पढ़ सकती हैं। कथा सुनने के बाद बहू को अपनी सास के लिए बायना निकालना होता है। इसमें सास के लिए कपड़े, सुहाग का सामान, खाने की चीजें जैसे मिठाई, मट्ठी, गुलगुले आदि, पानी का लोटा, शगुन के पैसे जरूर रखें। हर सास अपनी बहू को करवा चौथ पर करवा देती है, इसी तरह बहू भी अपनी सास को करवा देती है। कहानी सुनते या पूजा करते वक्त आपको दो करवे रखने होते हैं। सास के दिए करवे से चांद को अर्घ दिया जाता है, वहीं दूसरे करवे में पानी भरकर बहू बायना देते वक्त अपनी सास को देती है। करवा चौथ के दिन कुछ औरतें शाम को कथा सुनने के बाद पानी, चाय या जूस आदि पी लेती हैं और फल और ड्राई फ्रूट भी खाती हैं। वहीं कुछ जगहों पर चांद देखने के बाद ही पानी पीने का रिवाज होता है। रात में चांद को अर्घ देने और पूजा करने के बाद औरतें छलनी से पहले चांद को और फिर अपने पति को देखती हैं। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत खोला जाता है। चांद देखने के बाद आप खाना खा सकते हैं। करवा चौथ के दिन विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं। पंजाब में साबुत उड़द की दाल और फेनिया खाई जाती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इस दिन चावल के आटे से फरे बनाए जाते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। कुछ लोग पूरी सब्जी, कड़ी और खीर भी खाते हैं। हालांकि इस दिन बाहर जाकर भी लोग खाना खाना पसंद करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के तमाम और वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।